Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete newspaper analysis for 8th of December 2018. तो 8 दिसंबर 2018 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे अपन लोग. बिफोर वी स्टार्ट, दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज, द बोगी बिल ब्रिज हैज बिन बिल्ट ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स. तो ऑप्शंस आर गंगा, गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र. सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इंडिया की हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनमें से कौन से हैं जो कि रिसेंटली फ्रेंच गिनी से लॉन्च हुई थी. तो ऑप्शंस आर जी सेट 10, जी सेट 17, जी सेट 11 या जी सेट 9. थर्ड क्वेश्चन इज योनो, दैट इज यू ओनली नीड वन इज एन ऐप ऑफर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स, किस बैंक ने ऑफर किया है. ऑप्शंस आर BOI, SBI, PNB या BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा. द फोर्थ क्वेश्चन इज खोंगजोम वॉर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, तो खोंगजोम वॉर इनमें से किस स्टेट से एसोसिएटेड है. ऑप्शंस आर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या असम. तो दीज आर द फोर क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Now, if you have the newspaper in physical or digital format, please open that newspaper with me so that we can complete the newspaper together. हम साथ में पूरा newspaper complete कर लेंगे. The first news is regarding exit polls being conducted in various states. जहाँ पे भी elections हुए हैं या जहाँ result आने वाले हैं. For example, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 11 तारीख को result आने वाले हैं यहाँ पे. तो exit polls conduct किए गए थे और उनके results आए हैं अभी कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन हारेगा. We will not be discussing that who is winning, who is losing. Just मैं आपको बताना चाहता हूँ कि exit poll होते क्या हैं. तो what happens is that when a voter comes out of the polling booth, जब एक वोटर आता है पोलिंग बूथ से बाहर, तो some of the bodies, some of the entities जो कि conduct करा रही हैं exit poll, वो उनसे उनका opinion लेते कि आपने किसको वोट किया या आपने मतलब आप किसके साथ हैं. So when these exit polls are such which are conducted when a voter comes out of the polling station, voting के बाद जब आप उनका opinion लें तो वो कहलाता है exit poll, and अगर voting के पहले आप उनका opinion लेते हैं तो वो कहलाता है opinion poll. Okay, so there are two different types of polls. First is opinion poll which is conducted before the voting happens, and second is the exit poll which is happening after the voting happens. Okay, now UPSC kis tarike se question pooch sakta hai, bilkul pooch sakta hai. Now what will happen that UPSC gives you two different options. First option is that, first statement is that exit polls are conducted after voting is done. Okay, second statement they will give is that voting exit polls have been mentioned in the constitution. ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि एग्जिट पोल्स का कोई मेंशन नहीं है इन द कॉन्स्टिट्यूशन. देयर इज नो मेंशन ऑफ एग्जिट पोल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इस तरीके से वो स्टेटमेंट देके आपको फंसाने की कोशिश करेंगे. और कुछ लोगों को इतना सुना रहता है एग्जिट पोल कि उनको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि एग्जिट पोल्स वाकई कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हों. ओके, सो दिस हैपेंस, दे प्ले विद द माइंड्स एंड देन दे ट्रैप यू देयर. तो याद रखिएगा कि एग्जिट पोल्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा कुछ ही बॉडीज इसको कंडक्ट करती हैं, एंड देयर आर मेनी इशूज विच आर एसोसिएटेड विद एग्जिट पोल्स ऑल्सो. तो बहुत सारे इशूज हैं जो कि एग्जिट पोल से रिलेटेड हैं, बहुत सारे इशूज हैं जो कि उससे कनेक्टेड हैं. जैसे कि जो वोटर्स रहते हैं एग्जिट पोल के बाद उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है कि क्यों आपने ऐसी वोटिंग की. जो वेरियस कंस्टिट्यूएंसीज के लोग खड़े रहते हैं चुनाव में, उनके जो जो गूंस होते हैं, दे वॉट दे टेराराइज दोज पीपल अगर उन्होंने देख लिया, समझ लिया. तो इस तरह से चीज़ें होती है. देयरफॉर एग्जिट पोल्स और इन सब चीज़ों का थोड़ा बहुत कम लोग, लिमिटेड लोग करते हैं. नाउ ईडी के बारे में मैंने आपको कई बार बताया, जस्ट रिपीट कर दूंगा कि ईडी का जो इनिशियल बॉडी थी वो इन्फोर्समेंट यूनिट कहलाती थी. ओके, एंड ईडी के बारे में आप सबको पता है कि दो एक्ट्स का मेन है, PMLA एक्ट ऑफ 2002 एंड फेमा एक्ट ऑफ 1999. तो ईडी के बारे में दो एक्ट जरूर याद रखिएगा, फेमा एक्ट ऑफ 1999 एंड जो PMLA है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, वो 2002 का एक्ट है. तो ईडी उन दोनों से रिलेटेड बॉडी. Now, hype around surgical strikes is unwarranted. This is what Lieutenant General Hooda has said, DS Hooda has said. So, he was the face of the surgical strike that was carried out in 2016 after the Uri attack. Okay, so Uri attack ke baad aap sabko pata ki kis tarike se surgical strike conduct ki karai gayi thi. बट लेफ्टिनेंट जनरल डी एस हुड्डा जो कि खुद उस सर्जिकल स्ट्राइक के फेस थे, ही सेड दैट द हाइप दैट हैज बिन बिल्ट अराउंड दिस सर्जिकल स्ट्राइक दैट इज not good, that was unwarranted, and it would have been best if these surgical strikes were conducted in secrecy. Okay, agar secrecy mein hota to bahut zyada acha hota. And he also iterated a very good point that the politicization of these operations is not necessary, is not good. Okay, so what happens is that ki log kya karte rehte, jo political parties hoti hain wo isme bhi encash karne lagti hain. Jo surgical strikes hai, is tarike ke covert operations hote hain unme bhi encash karne lagte hain, प्रॉफिट ढूंढने लगते हैं. सो दैट शुड नॉट हैपन. द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ सच इश्यूज इज नॉट अ गुड थिंग. सो वेरी गुड पॉइंट्स दैट वर रेज्ड बाय लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा. दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट. ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक.
नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस. एड्स ज़्यादा थे आज ओके. सो यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ऐड ही दिख रहे हैं, ये भी पूरा एड से भरा पेज था. नाउ एम एस स्वामीनाथन हैज़ कॉल्ड जीएम क्रॉप्स अ फेलियर. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम. एम एस स्वामीनाथन आप सबको जानते हैं क्योंकि ही वॉज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वॉज एम एस स्वामीनाथन. नाउ ही हैज़ रेज्ड वेरियस इशूज रिलेटेड टू द जीएम क्रॉप्स, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड या आपको जेनेटिकली इंजीनियर्ड जिनको बोलते हैं उन क्रॉप्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं. नाउ ही हैज़ सेड दैट दीज आर नाइदर सस्टेनेबल नॉर दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी नॉर दे प्रोवाइड द लाइवलीहुड सिक्योरिटी. तो ना ही ये सस्टेनेबल है, ना ही ये न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, ना ही ये आपके लाइवलीहुड सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं. नाउ देर हैव बीन वेरियस आर्ग्यूमेंट्स विच आर रेज्ड बाय एम एस स्वामीनाथन. तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए दीज आर द पॉइंट्स विच हैव बीन रेज. नाउ सिंस जेनेटिकली इंजीनियर्ड सीड्स द इनपुट्स आर वेरी हाई, जो इनपुट्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल बीटी कॉटन, इन सब के इनपुट्स बहुत ज़्यादा हैं. देयरफॉर जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं दे आर अनेबल टू बियर द क्रॉप लॉसेस, तो वो क्रॉप लॉसेस को नहीं बियर कर पाते. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट विच हैज़ बीन सेट. उसके अलावा जो साइंटिफिक पॉइंट्स है वो अपन डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं. मैं नॉर्मल आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से लिखेंगे. अगर आपको एक क्रिटिक या क्रिटिसिज्म लिखने के लिए आता है तो सम ऑफ द पॉइंट्स जो कि जनरल पॉइंट्स होंगे जो आपको लिखने पड़ेंगे. तो लेट मी टेल यू दैट फर्स्ट. तो कॉस्ट ऑफ द जेनेटिकली इंजीनियर्ड सीड्स जो रहती है, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड सीड्स की कॉस्ट रहती है फॉर एग्जाम्पल बीटी कॉटन सब में, बहुत ज़्यादा है. दैट इज एग्जॉर्बिटेंट एंड देयरफॉर द स्मॉल फार्मर्स दे आर अनेबल टू withstand the losses. तो जो losses होते हैं उनको small farmers bear नहीं कर पाते. Now the second is that the site of gene insertion, जो gene जब क्या होता है genetically engineered crop है तो नए genes add करने पड़ेंगे, पुराने genes कुछ हटाने पड़ेंगे. तो the site of gene insertion is not controllable. वो site जो होती है gene insertion की वो controllable नहीं होती है and therefore health concerns जो होते हैं उसके कारण वो unintended होती है. There are some unintended health effects also. तो health के ऊपर भी unintended effects भी पड़ जाते हैं. Now थर्ड इज दैट प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल हैज़ बीन डन अवे विद. जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल होता है वो बीटी और जीएम के केसेस में दैट दे आर डन अवे विद एंड देर इज नो रिगरस बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल इन इंडिया. बायोसेफ्टी रिगरस प्रोटोकॉल कोई नहीं है इंडिया में. दैट इज वाई द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स आर डन अवे विद. ओके, तो ये चीज़ है कि इवेल्युएशन प्रॉपर होना चाहिए, इन्वायरमेंटल हेल्थ इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, बट दीज थिंग्स आर मिसिंग. देन बीटी कॉटन इन इंडिया हैज़ फेल्ड टू लिव अप टू प्रॉमिस इन 10 years. केवल 10 साल के अंदर ही पूरा आउटडेटेड हो गया बीटी कॉटन इंडिया के अंदर, ये बोलना है एम एस स्वामीनाथन का. क्योंकि पहले तो ठीक है आपने अच्छा किया, बट बाद में वो अब आप बोलते हो कि उसकी जो यील्ड है वो स्टैगनेंट हो गई है, प्लस आपकी आप वो अब जा रेजिस्टेंट भी नहीं है, पेस्ट रेजिस्टेंट भी नहीं है. नाउ इफ यू सी द बीटी कॉटन देर आर सर्टेन इशूज दैट हैव बीन रेज्ड, कि अब वो बीटी कॉटन जो पहले ऐसा पेस्ट रेजिस्टेंट था वो इतना नहीं रह गया है, प्लस उसका यील्ड भी स्टैगनेंट हो गया है, कम हो गया है. देन देर आर ह्यूज सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट विच इज बॉर्न बाय फार्मर्स फ्रॉम हाइब्रिड्स इन बीटी कॉटन. तो बहुत सारी सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट है जो कि बियर करनी पड़ती है फार्मर्स को. सो दिस इज अनदर इशू विच हैज बीन रेज. देन बीटी कॉटन फार्मर्स आर आज टू रिवर्ट टू ट्रेडिशनल पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स. नाउ सिंस अपना जो बीटी कॉटन है वो फेल हो गया है पेस्ट रेजिस्टेंस में, तो अब हम दोबारा फार्मर्स को बोल रहे हैं कि अब आप ट्रेडिशनल पेस्ट रेजिस्टेंट मेथड्स में जाइए और इंसेक्टिसाइड्स का यूज करिए, पेस्टिसाइड्स का यूज करिए. पहले आप बोल रहे थे इनका यूज नहीं करना पड़ेगा बिकॉज दैट इज रेजिस्टेंट, तो फिर क्या मतलब निकला आपके बीटी कॉटन का बीटी. तो दीज आर द पॉइंट्स दैट हैव बीन रेज्ड. बट जो मिनिस्ट्री है उसका कहना है कि ये पूरे बुलशिट पॉइंट्स हैं, ही हैज़ नो राइट टू से दिस, और इतना ये फॉल्टी पेपर है. सेंटर की तरफ से ये कहना है कि ये फॉल्टी पेपर है, ऐसा नहीं कहना चाहिए था. ये चीज सारी चीज़ें हैं. नाउ कुछ चीज़ें बता दूं कि बीटी कॉटन ऑक्यूपाइज ग्रेटर दैन 95% ऑफ इंडियाज कॉटन एकरेज. तो कॉटन का जो एकरेज एरिया है उसका 95% से ज़्यादा बीटी कॉटन है इंडिया में. एंड देन ईल्ड्स हैव स्टैगनेटेड. जो ईल्ड है वो स्टैगनेंट हो गई है, जो मैंने बताया था कि इट इज लोअर दैन द ईल्ड इन चाइना एंड इजिप्ट. एंड बीटी ब्रिंजल भी इसके अलावा तो जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने क्लियर किया था. अब देखो GEAC जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है ये इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री के अंदर आती है, और ये इसने क्या किया है ये क्लियर करती है सारे क्लियरेंसेज, इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेज देती है ये. तो GEAC ने तो
अप्रेजल कमेटी जो GEAC जो है उसने तो क्लियर कर दिया था BT ब्रिंजल को, लेकिन फिर होल्ड में डाल दिया गया। देन DMH 11 जो धारा हाइब्रिड 11 है, GE जो मस्टर्ड है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड मस्टर्ड, उसको भी क्लियरेंस दे दिया था GEAC ने, बट लेटर इट वॉज ऑल्सो विदड्रॉन। तो चीज़ें हैं जो कि विदड्रॉ की जा रही हैं, उसका भी कुछ रीज़न होना चाहिए। तो दीज आर द पॉइंट्स दैट हैव बीन रेज्ड बाय MS स्वामीनाथन। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि क्या क्या उन्होंने कहा, क्यों ये बियरेबल नहीं है कॉस्ट जिसके स्मॉल फार्म की जो लॉसेज हैं, स्टैगनेंट यील्ड हो गई है, पेस्ट मैनेजमेंट भी दोबारा ट्रेडिशनल करना पड़ रहा है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का यूज करना पड़ रहा है, तो क्या मतलब निकला। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स दैट हैव बीन रेज्ड। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी। नाउ लेट्स कम टू द एडिटोरियल सेक्शन। नाउ वेरी गुड एडिटोरियल्स केम टुडे। द फर्स्ट इज एन इन्विटेशन टू करप्शन, इन्विटेशन टू करप्शन। नाउ दिस लीड आर्टिकल इज ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एंड इट्स फेलियर टू कर्व द मनी पावर इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल स्पॉन्सरशिप। अब आप सबको पता है कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई थी तो अरुण जेटली जी ने अपने भाषण में कहा था, बजट के भाषण में कहा था कि जो मनी मसल पावर है आपके इलेक्शंस में, उसको कम करने के लिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए हम इसको ला रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को। बट जो ऑथर का कहना है कि बिल्कुल ये स्कीम बुरी तरीके से फेल हुई है। ना कि सिर्फ ऑथर का कहना है, बट रिसेंटली आउटगोइंग जो इलेक्शन कमिश्नर थे, जो OP रावत जी थे, आउटगोइंग इलेक्शन कमिश्नर, ही सेड, उनके वर्ड्स बता रहा हूं, देयर आर मेनी ग्रे एरियाज इन दिस स्कीम बिकॉज देयर इज नो सीलिंग ऑन अ पार्टी एक्सपेंडिचर एंड द इलेक्शन कमीशन कैन नॉट मॉनिटर इट। पहली चीज की कोई सीलिंग नहीं है इस तरीके के पैसे को खर्च करने की, इलेक्शन कमीशन इसलिए इसको मॉनिटर नहीं कर सकता। देयर आर मेनी ग्रे एरियाज इन दिस एंड हाउ कैन यू बी श्योर दैट व्हाट इज कमिंग इज नॉट अ ब्लैक मनी एज देयर इज अ सीक्रेसी ऑफ डोनर। तो OP रावत ने बहुत अच्छा इशू ये रेज किया है कि अगर डोनर की सीक्रेसी है तो आप कैसे बता सकते हैं कि ये ब्लैक मनी से का सोर्स है या नहीं है। ओके, तो आप बोलते हैं कि ये ब्लैक मनी नहीं, ब्लैक मनी को कम करने के लिए, पॉलिटिक्स में ब्लैक मनी को कम करने के लिए हम ला रहे हैं स्कीम को, बट देन आप सीक्रेसी ऑफ डोनर ला देते हैं कि डोनर की आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाएगी, तो फिर कहां से पता चलेगा कि ये ब्लैक मनी से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, दिस इज द इशू दैट हैज बीन रेज्ड बाय OP रावत एंड ऑथर ने भी उसको आगे बढ़ाया है। Now, what is the main problem behind this electoral bond scheme? The mechanism is too opaque. The first point is that the mechanism is too opaque in its present form because the scheme permits not only individuals and body corporates. देखो, individuals और body corporates तो ठीक है, आप वो तो invest करेंगे ही करेंगे electoral bond scheme में, उनके साथ साथ जो artificial juridical persons हैं, artificial juridical person मतलब non-human entities, जो ज्यूरिडिकल बॉडी होती है, अगर आप ज्यूरिडिकल गूगल में सर्च करें हु इज अ ज्यूरिडिकल बॉडी, सो दे आर नॉन ह्यूमन एंटिटीज, मतलब जैसे कि NGOs लीगल होती हैं लेकिन नॉन ह्यूमन होती हैं। तो इंडिविजुअल कॉर्पोरेट्स तो ठीक ही था, अब नॉन ह्यूमन बॉडीज को भी आपने अलाउ कर दिया, NGOs को भी अलाउ कर दिया। ओके, इन द डिनोमिनेशंस ऑफ 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, इनके डिनोमिनेशंस में आप बॉन्ड्स ले सकते हैं, उनको इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट्स उनको बैंक्स में डाल सकते हैं, उन पोलिटिकल पार्टीज के अकाउंट में, और वो उसको इनकैश कर सकते हैं। ओके, सो द ओपेक सिस्टम इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बिहाइंड दिस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। जो ओपेसिटी है इस मैकेनिज्म की, ओपेसिटी है कि जो आर्टिफिशियल जो ज्यूरिडिकल पर्सन यानी कि आर्टिफिशियल यानी कि नॉन ह्यूमन एंटिटीज तक को आपने अलाउ किया है। सो हाउ कैन दिस सिस्टम बी अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम, इट्स अ वेरी ओपेक सिस्टम। ओके, नाउ द सेकंड थिंग इज दैट नॉट ओनली दिस, द स्कीम ऑफर्स कंप्लीट एनोनिमिटी टू द डोनर, कंप्लीट एनोनिमिटी प्रोवाइड करता है डोनर को, देयरफॉर वोटर्स टू हैव नो आइडिया ऑन हाउ एंड हुम द पोलिटिकल पार्टी हैज बीन फंडेड। तो वोटर्स को बिल्कुल आइडिया नहीं रहता कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी को फंड किया जा रहा है, सिंस वोटर्स हैव नो नॉलेज ऑफ वेयर द मनी इज कमिंग टू दीज पॉलिटिकल पार्टीज। आप क्यों नहीं बता सकते, आप डोनर्स की आइडेंटिटी क्यों रिवील नहीं कर सकते। नाउ बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एनोनिमिटी के कारण ये वोटर्स को भी नहीं पता चलता कि कहां से आ रहे हैं। नाउ थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट बताता हूं, द प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ ये एडिटोरियल इतना अच्छा है कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। नाउ द प्रोग्राम रिमूव्स एन एग्जिस्टिंग कंडीशन दैट हैड प्रोहिबिटेड द कंपनीज फ्रॉम डोनेटिंग एनीथिंग मोर देन 7.5% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट। पहले एक रूल था कि कोई भी कंपनी रहेगी, कोई भी कॉर्पोरेट हाउस जो रहेगा, वो अपने टोटल प्रॉफिट्स के 7.5% से ज्यादा नहीं डोनेट कर पाएगा, नॉट मोर देन 7.5% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट। बट वो कंडीशन अब रिमूव कर दी गई है, वो भी पिछले 3 साल के नेट एवरेज प्रॉफिट का 7.5% से ज्यादा नहीं कर सकता था, बट नाउ दैट कंडीशन हैज बीन रिमूव्ड, मतलब द सीलिंग हैज बीन रिमूव्ड। तो सीलिंग ही नहीं है, जितना मन चाहे आप उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। और OP रावत जी ने यह भी कहा था कि 95% जो इलेक्टोरल बॉन्ड का डोनेशन है वो केवल एक ही पार्टी को जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यह कि लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है, एक पार्टी को 95% फंड मिल रहा है, बाकी की सारी पार्टीज को केवल 5% फंड मिल रहा है। सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग।
और ये चीज उन्होंने ये भी रेस किया था कि जो मेन इलेक्टोरल बॉन्ड का डोनेशन जाएगा वो हमेशा रूलिंग पार्टी को जाएगा. सो दिस इज द दीज आर द इल इफेक्ट्स ऑफ दिस स्कीम. प्लस जो सीलिंग थी वो भी रिमूव कर दी गई, जो 7.5% की सीलिंग थी नेट प्रॉफिट एवरेज 3 years की, वो रिमूव कर दी गई. तो देर इज नो सीलिंग नाउ. दिस नाउ मीन्स दैट इवन अ लॉस मेकिंग एंटिटी कैन मेक अनलिमिटेड कंट्रीब्यूशन. लॉस मेकिंग एंटिटी भी अनलिमिटेड कंट्रीब्यूशन कर सकता है. एडिशनली एक और पॉइंट इसके साथ जुड़ा हुआ है, देर वॉज अ रिक्वायरमेंट दैट कॉरपोरेशन ऑट टू हैव बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर एटलीस्ट 3 years बिफोर इट कुड मेक अ डोनेशन. पहले एक रूल था कि कम से कम एक ऑर्गेनाइजेशन को 3 साल फंक्शन करना चाहिए. नाउ क्यों ऐसा बोला था कि डोनेशन करने से पहले आपको 3 साल फंक्शन करना चाहिए, सो दैट शेल कंपनीज आर नॉट एबल टू मेक डोनेशंस. बट वो कंडीशन भी अब रिमूव कर दी गई. तो अब क्या है, शेल कंपनीज बना के उनके नाम पे भी डोनेशन करना शुरू कर दिया गया है. सो दिस इज अ कंसर्न दैट हैज बीन रेज्ड. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आप ध्यान दे रहे हैं इस एडिटोरियल में, तो देर आर वेरी वेरी सीरियस कंसर्न्स एंड देर आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑल्सो, एंड आई होप मैं क्लियर करने में सफल हो पा रहा हूँ. ओके, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ. ओपेसिटी इन द सिस्टम, ओपेसिटी है. एनोनिमिटी प्रोवाइड की जा रही है डोनर को, जिसके कारण वोटर्स को भी नहीं पता चल रहा है कि पैसा कहाँ से आ रहा है. एंड वी आर नॉट श्योर वेदर इट्स कमिंग फ्रॉम अ ब्लैक मनी सोर्स और अ व्हाइट मनी सोर्स. ओके, तो हमको खुद ही नहीं पता, क्योंकि अगर हमको यही नहीं पता रहेगा कि पैसा आ कहाँ से रहा है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि सही आ रहा है कि गलत आ रहा है. थर्ड पॉइंट मैंने बताया आपको कि जो सीलिंग थी वो रिमूव कर दी गई है. 7.5% एवरेज नेट प्रॉफिट 3 साल का लिया जाता था पहले कॉर्पोरेट्स के ऊपर, वो रिमूव कर दिया गया है. फोर्थ मैंने आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन की बात शुरू की थी कि नॉन लीगल एंटिटीज, नॉन ह्यूमन एंटिटीज को भी आप अलाउ कर रहे हैं. देन मैंने पांचवा पॉइंट आपको बताया कि जो शेल कंपनीज ना दे पाए, इसके कारण पहले एक रूल था कि 3 साल कम से कम उस कंपनी को फंक्शन करना पड़ेगा बिफोर मेकिंग अ डोनेशन, बट नाउ दैट कंडीशन हैज बीन रिमूव्ड टू. तो अब शेल कंपनीज के नाम पे भी डोनेशन होना शुरू हो गया है. सो नाउ आप एक तरफ से बोल रहे थे कि ये मनी पावर को कम करने के लिए है, दूसरी तरफ आप जो कांड कर रहे हैं वो सारा मनी पावर को बढ़ा रहा है और ज़्यादा करप्शन लाने की कोशिश कर रहा है. नाउ द ऑथर हाईलाइट्स सम अदर इशूज ऑल्सो इन द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम. फॉर एग्जाम्पल, वेन द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड, वेरियस चेंजेस वर ब्रॉट इन द एक्ट लाइक कंपनीज एक्ट, RPA, इनकम टैक्स एक्ट, बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे. नाउ एवरी सच चेंज वॉज मेड अंडर द नेम ऑफ मनी बिल. ये बहुत बड़ा इशू है कि जो जितनी चीज़ें गवर्नमेंट चाहती है पास कराना वो मनी बिल के नाम पे ला देती है, तो उसमें राज्यसभा का रोल ही खत्म हो जाता है. व्हेन अ बिल कम्स इन द फॉर्म ऑफ मनी बिल, द रोल ऑफ राज्यसभा डिमिनिशेस. ओके, तो राज्यसभा का रोल डिमिनिश करने के लिए मनी बिल के नाम पे आप ला रहे थे, जो कि आर्टिकल 110 में मेंशन है. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में मनी बिल का प्रोविजन है, जिसमें स्पीकर डिसाइड करता है वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट. स्पीकर हमारी बीजेपी से ही है. ओके, सो these were the issues which were raised. Then many fundamental rights were also flouted because of this electoral bond scheme. तो ये सारे issues हैं जो कि raise किए गए हैं. Fundamental rights जैसे कि right to information, right to know, right to vote, because वोटर्स के पास इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना भाई, कहाँ से पैसा आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है. एंड राइट टू वोट, दो इट इज़ नॉट एक्सटेंसिवली मैंशनड इन कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सक्लूसिवली मैंशनड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप सबको पता है कि ये इम्प्लिसिट है. इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इम्प्लिसिटली. ओके, एंड कहीं ना कहीं ये चीज, अगर राइट टू वोट इम्प्लिसिट है तो वहीं पे कहीं ना कहीं आपको राइट टू वोट के साथ साथ राइट टू इन्फॉर्मेशन भी इम्प्लिसिट है, क्योंकि अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हाउ कैन यू एक्सरसाइज योर राइट टू वोट. बिना राइट टू इन्फॉर्मेशन के एक्सरसाइज ऑफ राइट टू वोट इज इनंडेटेड. तो दैट इज द थिंग विच हैज बीन डिस्कस्ड बाय द ऑथर. बहुत सारे पॉइंट थे, मैंने आई होप मैंने क्लैरिटी लाई है. एंड लास्ट में बस एंड करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ओपेसिटी इन द पॉलिटिकल फंडिंग, डेमोक्रेसी एज अ होल लूजेज इट्स इंट्रेंसिक वैल्यू. अगर इफ देर इज अ ओपेसिटी इन पोलिटिकल फंडिंग, देन डेमोक्रेसी एज अ होल लूजेज इट्स इंट्रेंसिक वैल्यू. तो ये पूरी पूरी डेमोक्रेसी के ऊपर एक सवाल उठा दिया इन्होंने कि डेमोक्रेसी की ही वैल्यू नहीं रहेगी अगर इस तरीके से ओपेसिटी रहेगी तो. सो आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी. इस पर मेन्स का क्वेश्चन मैं आपको दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में. सो आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज ऑल्सो. तो मैं आपको लिंक आज डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको ज्वाइन कर लीजिए. फिर अपन उसमें क्या, अभी उसमें कुछ कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें धीरे धीरे अपन ऐड करते जाएंगे. सपोज मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूँ दिन भर. ओके, सो वेन एवर आई विल रीड आर्टिकल, आई विल शेयर द लिंक इन द इंस्टाग्राम पेज और इन द फेसबुक एवरीवेयर. तो आप जहाँ पे भी कंफर्टेबल हो आप उसको पढ़ सकते हो, क्योंकि आई रीड वेरियस एडिटोरियल्स थ्रू आउट द डे. मैं बहुत सारे एडिटोरियल दिन भर पढ़ता रहता हूँ. सो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी उससे, और काफ़ी नई चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी. ओके, आउट ऑफ दिस डिस्कशन ऑल्सो, डिस्कशन के अलावा भी आपको दिन भर पढ़ते रहना पड़ेगा. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकेंड एडिटोरियल, जो दूसरा है, एंड दिस लॉन्ग ट्रॉमा. नाउ बेसिकली ये जो एक्ट है, ये आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, आपको बहुत मज़ा आएगा इसमें.
मुझे तो आया था पर्टिकुलरली, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली थी. सो बेसिकली ये जो है ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट के ऊपर है. इसके अलावा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, नोटिफाइड ट्राइब्स, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे. पहला एक फैक्ट दिया है ऑथर ने कि 15 करोड़ इंडिविजुअल्स विच आर बेटर नोन एज द डी नोटिफाइड ट्राइब्स, इनको डी नोटिफाइड ट्राइब्स बोला जाता है. मैं आगे आपको बताऊंगा कि वाई दे आर नोन एज डी नोटिफाइड ट्राइब्स, बट रिमेंबर दैट 15 करोड़ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो कि अभी डी नोटिफाइड ट्राइब्स के अंदर आते हैं, विच आर कंटिन्यूड टू बी कंसिडर्ड एज क्रिमिनल बाय बर्थ, उनको अभी भी क्रिमिनल बाय बर्थ कंसिडर किया जाता है. नाउ वॉट आर दीज डी नोटिफाइड ट्राइब्स, क्या होती हैं? वॉट हैपन्स इज दैट देर वॉज अ एक्ट विच वॉज नोन एज द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871. देर वॉज अ क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871 में, यानी कि जब ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट थी. 1871 मींस देर वॉज ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट. नाउ वॉट हैपन्ड इज दैट दे स्टार्टेड अ एक्ट विच वॉज नोन एज द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, अंडर विच 200 ट्राइबल कम्युनिटीज वर कंसिडर्ड एज हेरिडिटरी क्रिमिनल्स. ओके, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने 200 ऐसी ट्राइब्स को हेरिडिटरी क्रिमिनल्स की लिस्ट में डाल दिया था. ओके, दिस इज द एक्ट, दिस इज द बैकग्राउंड. 1871 में आया क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, अंडर विच 200 ट्राइबल कम्युनिटीज वर कंसिडर्ड हेरिडिटरी क्रिमिनल्स. नाउ क्या रीजन था इसके पीछे, मैं आपको थोड़ा एक बैकग्राउंड दे देता हूँ कि ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज ने रेस किया है, रेबेलियन किया है, उन सब कम्युनिटीज को बेसिकली यही एम था कि जो उनका रेबेलियन था उसको दबाने के लिए उनको हमेशा क्रिमिनल ट्राइब्स बता दो, दे आर क्रिमिनल ट्राइब्स. ओके, तो एक स्टिग्मा जुड़ जाएगा और इनको पकड़ना आसान रहेगा, उनका कर्व करना, वायलेंस को कम करना, उनके रेबेलियन को कम करने के लिए ये चीज़ें की गई थी. आफ्टर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो दे इनको क्या किया गया, जो ये नोटिफाइड ट्राइब्स थी, नोटिफाइड इन द 1871 क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, तो इंडिपेंडेंस के बाद हमने इनको उस लिस्ट से हटा दिया. दैट मींस वी डी नोटिफाइड दीज ट्राइब्स, इसीलिए इनका नाम डी नोटिफाइड ट्राइब्स आता है. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने किया, दे नोटिफाइड दीज 200 ट्राइबल कम्युनिटीज under the criminal tribes act of 1871 and we when we became independent in 1947 we denotified them, humne unko us list se nikal diya, acha kaam kiya, isliye unko denotified tribes bola jata hai. ओके, तो ये चीज़ है. नाउ व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ सीटी है, आज के टाइम में जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है उसका क्या स्टेटस है? तो हमने सीटीए तो हटा दिया था, वी रिपील्ड द सीटीए. ओके, बट व्हाट हैपेंड इज दैट वी इंट्रोड्यूस्ड हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट. ओके, तो वी रिमूव्ड द CTA, बट वी इंट्रोड्यूस द HOA एक्ट, दैट इज द हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट, वी इनेक्टेड दैट. और आज ये 10 स्टेट्स में लगभग अभी भी इनेक्टेड है, फोर्स में है, और बहुत सारी स्टेट्स में इनेक्टेड है, बट कुछ 10 स्टेट में ये फोर्स में भी है. ओके, सो इट इज इनफोर्स्ड इन 10 स्टेट्स एंड इनेक्टेड इन वेरियस स्टेट्स. तो हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट हमने इंट्रोड्यूस किया. नाउ ऑथर क्रिटिसाइजेस दिस हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट, ऑथर जो है वो इस हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट को क्रिटिसाइज कर रहा है एंड सेज दैट इट इज अ मेयर एक्सटेंशन ऑफ द CTA. ये जो एक्ट है आपका HOA यानी कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट, ये केवल एक्सटेंशन है CTA का, ये कुछ अलग नहीं है. Why? Because the nomadic and semi-nomadic tribes still face a harassment at the hands of law enforcement agencies. आपने CTA तो remove कर दिया, but आपने Habitual Offenders Act ला दिया, because of which these nomadic and semi-nomadic tribes still face harassment at the hands of law enforcement agencies. दूसरा जो issue raise किया है author ने वो ये है कि these groups still face ostracization by the society at large. जो सोसाइटी है उसके द्वारा बहिष्कृत, यानी कि ऑस्ट्रसाइजेशन यानी कि बहिष्कार होता है, तो दीज ग्रुप स्टिल फेस द ऑस्ट्रसाइजेशन बाय द सोसाइटी. ओके, तो आप कहाँ से अलग हो गए कॉलोनियल गवर्नमेंट ने? कॉलोनियल ने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट दिया, आपने केवल नाम चेंज करके उसको हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट कर दिया, बट चीज़ें तो सेम हो रही हैं. थर्ड इशू इज दैट, लेट मी टेल यू द थर्ड इशू इज दैट दीज ट्राइबल ग्रुप्स बिकॉज ऑफ सेंचुरीज ओल्ड हिस्ट्री ऑफ मोबिलिटी एंड मूवमेंट डू नॉट हैव रेजिडेंशियल प्रूफ्स. अब ये नोमैडिक ग्रुप्स हैं, नोमैडिक ग्रुप्स, सेमी नोमैडिक ग्रुप्स का आपको कैरेक्टरिस्टिक पता है, NCERT में लिखा भी है कि दे आर हर्डरर्स, ये घूमते रहते हैं, वेंडरर्स होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह तक वेंडरिंग करते हैं. नाउ इसके कारण इनका कोई रेजिडेंशियल प्रूफ नहीं होता इनके पास, बहुत सेंचुरीज ओल्ड ट्राइब्स हैं ये, तो इनका कोई रेसिडेंशियल प्रूफ तो है नहीं. देयरफॉर मेनी ऑफ दीज ट्राइब्स आर लेफ्ट आउट ऑफ द डेवलपमेंटल स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट. बहुत सारी जगहों से ये डेवलपमेंटल स्कीम से बाहर रह जाते हैं एंड दे आर स्टिल फेसिंग द डिस्क्रिमिनेशन. ओके, सो दिस इज द इशू दैट हैज बीन रेज्ड बाय द ऑथर. नाउ इसको सॉल्व करने के लिए दो कमीशन्स बनी थी. फर्स्ट वॉज द NCDNT कमीशन, दैट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2003, तो जिसको नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स कमीशन बोलते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 2003 में. And it was reconstituted 2 years later under the chairmanship of Balkrishna Renke,
बालकृष्ण रिंके के अंदर 2005 में दोबारा एनसीडीएनटी बनाया गया, यानी कि नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स कमीशन, बालकृष्ण रिंके, ये नाम याद रखेगा। अब इसके इश्यूज को डिस्कस करने के लिए कमीशन बनी, पहली 2003 में बनी एनसीडीएनटी, उसके बाद 2005 में दोबारा बालकृष्ण रिंके के अंदर ये बनी, जिसने कि अपनी रिपोर्ट 2008 में सबमिट की थी। देन इदाते कमीशन बनी थी, IDATE, इदाते कमीशन या इडेट कमीशन आप बोल सकते हैं। इट वॉज कंस्टिट्यूटेड इन 2015, 2015 में कंस्टिट्यूट की गई इदाते कमीशन या इदेत कमीशन। ओके, सो नाउ दिस एनसीडीएनटी कमीशन, इट गिव्स अ रिकमेंडेशन दैट यू शुड रिपील दिस HOA, you should repeal this HOA, that is the Habitual Offenders Act. So under the NCDNT Commission, the Idate Commission, दोनों commissions के अंदर एक ही recommendation ये आया है, निकल के सामने आया है कि आप please इस Habitual Offenders Act को remove करें, repeal करें। So this is the thing that has been asked by the author also, कि आप please उसका जो stigma है वो remove करें, जो discrimination face हो रही है इन nomadic tribes के द्वारा, और जितना भी harassment इन nomadic tribes का हो रहा है because of the law enforcement agencies and because of this Habitual Offenders Act, please repeal that and अपना कुछ difference बनाइए colonial government से। colonial government ने तो अपने मतलब के लिए वो act लाया था, आप क्यों ला रहे हैं? This is the thing that has been raised. Now the third editorial is the Michael Test case. अब देखो, मैंने कल आपको बताया था कि अगस्ता वेस्टलैंड केस में एक alleged middleman है जो कि ब्रिटिश बिजनेसमैन है, जिनका नाम है क्रिश्चियन माइकल। क्रिश्चियन माइकल का एक्स्ट्राडिशन हुआ, मतलब उनको वहां से लाया गया इंडिया में। ओके, एक्स्ट्राडिशन का मतलब क्या होता है? सपोज हमको लग रहा है कि कोई क्रिमिनल है जिसने कि इंडिया का कोई क्राइम किया है, तो अपन उसको उस गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं दैट प्लीज सेंड दिस पर्सन टू अवर ओन कंट्री, वी विल इंटरोगेट हिम, और जो भी हम करना चाहेंगे उनको इंटरोगेशन करेंगे। सो व्हाट हैपेंस इज दैट, अगर दूसरी कंट्री उस रिक्वेस्ट को आपकी मान लेती है तो दैट इज अ सक्सेसफुल एक्सट्राडिशन, अगर उसको नहीं मानती हो दैट इज एन अनसक्सेसफुल एक्सट्राडिशन। ओके, तो इस प्रोसेस को एक्सट्राडिशन बोलते हैं, इट्स अ डिप्लोमेटिक प्रोसेस। एंड अभी जो अगस्टा वेस्टलैंड केस में ये मिडिलमैन माइकल, क्रिश्चियन माइकल का एक्सट्राडिशन हुआ, जो पॉसिबल हो पाया कि उनको लाया गया इंडिया में, सो दैट इज अ डिप्लोमेटिक सक्सेस फॉर वेरियस reasons. This is what the author is saying. ये एक diplomatic success है. तो इंडिया की अगर extradition history देखें तो we have only 1/3 of all request from 2002 that have been accepted. तो 2002 से केवल 1/3 ऐसी request हैं जो कि इंडिया ने की है, वो successful हुई हैं. And UAE के साथ the most amenable extradition treaty has been with UAE. हमारी UAE के साथ सबसे ज़्यादा amenable treaty रही है. Now, why such low extradition rate? इतना कम extradition rate क्यों है इंडिया का? Because most of the countries have a perception that India's criminal justice system delivers justice too slowly. Very important point. Now, क्यों इतना कम extradition है? This can be a mains question also, कि why India has a such low success rate in the extradition requests? क्यों इतना कम success मिलता है हमको extradition request में? क्यों लोग नहीं भेजते हैं criminals को? Because they think that they have a perception that India's criminal justice system is delivering justice too slowly. For example, हम अबू सलेम का केस लेते हैं, 1993 मुंबई ब्लास्ट में जो एक्यूज थे अबू सलेम, ही वॉज एक्स्ट्राडिटेड फ्रॉम पॉर्चुगल इन 2005, 2005 में उनको पॉर्चुगल से एक्स्ट्राडिटेड किया गया, बट हिज फाइनल ट्रायल फाइनली कंप्लीटेड इन 2017, मतलब 12 साल का टाइम ले लिया हमने एक्स्ट्राडिशन के बाद, मतलब 2005 में वो इंडिया में आया था, उसके बाद 12 साल हमने ले लिया उसके एक्स्ट्राडिशन में, तो कितना स्लो सिस्टम है। नाउ व्हाई दिस माइकल एक्स्ट्राडिशन केस इज यूनिक, क्यों माइकल का केस यूनिक है? बिकॉज ही इज अ ब्रिटिश and he is not an Indian national, क्योंकि पहली चीज़ तो वो British है, and then also the extradition was successful, and unlike similar cases in extradition was granted, he is not wanted on a serious criminal charge. तो बाकी cases में तो serious criminal charges में बुलाया जाता है, ये तो serious criminal charge भी नहीं था. Okay, so his extradition comes at a time when other cases of businessmen who have fled in India are pending, जैसे कि विजय माल्या, इन तरह के लोग अभी भी पेंडिंग है, ऐसी एक्सट्राडिशन रिक्वेस्ट अभी भी पेंडिंग है, और उस टाइम पे ये एक्सट्राडिशन सक्सेसफुल हुआ है, तो ये थोड़ा रिलीफ की तरह आएगा, थोड़ा रेपुटेशन जो जा रही थी, जिसकी धज्जियां उड़ रही थी, तो उसकी रेपुटेशन की थोड़ा मरम्मत हो सकेगी बिकॉज ऑफ दिस एक्सट्राडिशन। नाउ इंडिया हैज एटलीस्ट 150 अदर पेंडिंग एक्सट्राडिशन रिक्वेस्ट एट प्रेजेंट, 150 से भी अधिक एक्सट्राडिशन रिक्वेस्ट है जो कि पेंडिंग है। नाउ व्हाट शुड इंडिया डू इन दिस माइकल केस, क्यों ये माइकल केस एक टेस्ट केस है? बिकॉज If we follow the internationally accepted norms of interrogation, इस केस में हमको क्या करना चाहिए कि हमको internationally accepted norms of interrogation को follow करना चाहिए, and we should handle this case professionally, हमको ये केस बहुत professionally handle करना चाहिए, because this might help in building India's reputation, इंडिया की reputation बना सकता है ये चीज़, and might further help in extraditing विजय माल्या, तो विजय माल्या जैसे लोगों का भी extradition successful हो जाएगा अगर हम internationally accepted norms को follow करते हैं, अगर हम अपनी reputation बनाने की कोशिश करते हैं, एक professionalism बनाते हैं इंटरोगेशन में, सो दैट विल हेल्प इन बिल्डिंग अप रेपुटेशन।
अनईजी ट्रूस क्यों बोला जा रहा है? नाउ दिस इज रिगार्डिंग द यूएसए एंड चाइना स्टैंड ऑफ. तो यूएसए और चाइना के बारे में आप सबको पता है कि अभी उन्होंने G20 जो मीटिंग हुई थी ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में, वहां पे ये डिसाइड किया कि ठीक है भैया 90 दिनों के लिए हम कोई भी सैंक्शंस नहीं लगाएंगे, वी विल नॉट इम्पोज द सैंक्शंस, 90 डेज ट्रूस पीरियड रखेगा. बट जो चाइनीज टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है हुआवी, तो उसके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को मैंग वांजू को अरेस्ट करा लिया यूएसए ने एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट पे. ओके, तो यूएसए हैज मेड एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट टू कनाडा, बिकॉज ऑफ विच कनाडा अरेस्टेड, कनाडा अथॉरिटीज दे अरेस्टेड द हुआवी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मैंग वांजू. नाउ क्यों अरेस्ट किया गया? बिकॉज दे उन्होंने यूएसए ने ये एलिगेशन लगाया है कि हुआवी क्या कर रहा है, दे आर स्पाइंग, दे आर अंडरगोइंग द स्पाइंग ऑपरेशन ऑन फॉरेन सॉइल. ओके, तो दे आर हैविंग स्पाइंग ऑपरेशंस हुआवी के थ्रू, टेली कम्युनिकेशन के थ्रू वो स्पाइंग ऑपरेशन कर रहे हैं. दिस इज द रीजन वाई दे हैव अरेस्टेड द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर फ्रॉम देयर, हुआवी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को. तो इसका एक 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 क्रिटिक ये दिया है ऑथर ने कि जो रेडिकल एंटी चाइनीज पॉलिटिशियंस हैं यूएस में, वो क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू एग्जेजरेट द नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स. वो एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स की, और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे अरेस्ट करके क्या कर रहे हैं, वो सैंक्शंस लगा रहे हैं, प्रोटेक्शनिज्म के सैंक्शंस लगा रहे हैं चाइनीज कंपनीज के अगेंस्ट. क्योंकि हुआवी जो है बहुत ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन प्रोवाइड कर रहा है अमेरिकन कंपनीज को, एंड उसको किसी तरीके से दबाना है. तो अब नेशनल इंटरेस्ट का नाम लगा के, अंडर द नेम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, वॉट यू डू, यू जस्ट सिंपली अरेस्ट हिम, प्रोटेक्शनिज्म लगा दो, सैंक्शंस लगा दो चाइनीज कंपनी के ऊपर. तो दिस इज द टोटल उनका जो एटीट्यूड है वो यही है. ओके, कि नेशनल सिक्योरिटी को एग्जेजरेट करो, हाइप क्रिएट करो, और उसके बाद अपना जो मेन मोटिव है कि कंपटीशन कम करना है हुआवी से, तो वो अंडरगो कर लो. सो बेसिकली उसी के ऊपर है कि अनईजी ट्रूस पीरियड है, जो 90 दिन का पीरियड है, वो जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा ईजी रहे, क्योंकि अब चाइना भी इसका रिटेलिएशन तो कुछ ना कुछ जरूर करेगा, एंड देखते हैं आगे क्या होता है. बट दिस इज द एडिटोरियल, वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी. Now, religious education can counter terror. This is what has been said. And ये old IB chief है, मतलब former IB chief है, आसिफ इब्राहिम, इन्होंने कहा है कि religious education जो है, that can help in countering terror. ये basically मैं बता रहा था को ये कि इसमें mains का question possible है. ये question दे सकते हैं कि how religious education can counter terror. तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली कि ISIS, for example, जो ISIS militant group है, जो terrorist group है, उनको इस्लाम की असली teaching ही नहीं पता है. क्या होता है ना कि कुछ लोग बस एक प्रिजुडाइज बना लेते हैं. व्हाट हैपेंस इज दैट दे मेक अ स्टीरियोटाइप, दे मेक अ प्रिजुडाइज. जैसे मोस्ट बहुत सारे ऐसे आपको रिलीजन्स के लोग मिल जाएंगे जिनको लगता है कि इस्लाम में ही ऐसा बोला गया, बट ऐसा है नहीं रियलिटी में. अगर आप वो रिलीजन पढ़ें, अगर आप कोई भी रिलीजन पढ़ते हैं, तो कोई भी रिलीजन बुरी बातें नहीं बताता, उसका इंटरप्रिटेशन लोग अपने फायदे के लिए गलत कर लेते हैं. एवरी रिलीजन इज teaching you the same thing, every religion is teaching you the good thing. ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुइज्म अच्छी बातें बता रहा है, इस्लाम भी अच्छी बातें बताता है, क्रिश्चियनिटी भी अच्छी बातें बताती है, बुद्धिज्म, आपका जैनिज्म, हर सिखिज्म, एवरी वन ट्राइज टू टीच यू सम गुड पॉइंट्स. वॉट हैपन्स इज दैट कुछ ऐसे ग्रुप्स रहते हैं, कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो कि अपने मतलब के लिए उनको मिसइंटरप्रेट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो मिसइंटरप्रेट करते हैं कि क्या इस्लाम की टीचिंग का, क्या इस्लाम असली में बताना चाहता है. तो जो अगर हम सही तरीके से रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड करें, तो वो कहीं ना कहीं आपका एक बहुत अच्छे ब्रिज की तरह काम कर सकते हैं, ना कि लड़ाने का काम करेगी. दिस इज वॉट ही हैज बीन सेइंग. ओके, तो मेरा व्यू पॉइंट ये है कि सारे रिलीजन्स अच्छी बातें बताते हैं, बट एक अच्छा ऐसा टीचर मिलना चाहिए जो कि सही तरीके से उसको इंटरप्रेट करके लोगों के सामने लाए, प्लस लोगों को खुद पढ़ के भी समझने की कोशिश करनी चाहिए. ओके, लोगों को खुद पढ़ना चाहिए सही तरीके से, बिकॉज यू शुड बी टोटली रेशनल वाइल रीडिंग अ रिलीजियस थिंग ऑल्सो. आपको रेशनल रहना पड़ेगा रिलीजियस थिंग भी पढ़ने के लिए. इमोशंस और सेंटीमेंट्स के नाम पे हम हमेशा उल्टा सीधा काम करते हैं. ओके, इमोशंस एंड सेंटीमेंट्स के नाम पे हमें कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए, रेशनैलिटी हमेशा रहनी चाहिए. प्लस एवरी रिलीजन इज टीचिंग अस द गुड थिंग्स, देयर शुड बी प्रॉपर रिलीजियस एजुकेशन, एंड दैट कुड काउंटर द टेरर ऑल्सो. क्योंकि जो लोग रेडिकल बन जाते हैं, जो लोग फंडामेंटलिस्ट बनते हैं पहले, फिर रेडिकल बनते हैं, उसके बाद वो एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके जो प्रॉब्लम रहती है वो बेसिक रहती है कि उनको सही तरीके से पता ही नहीं कि उनका रिलीजन बताता क्या है. क्या उनका रिलीजन लड़ने के लिए बोल रहा है कि एक रहने के लिए बोल रहा है. सो देयरफॉर स्ट्रॉन्ग रिलीजियस एजुकेशन विल एक्ट एज अ बुलवर्क अगेंस्ट रेडिकलाइजेशन. दिस इज व्हाट आसिफ इब्राहिम हैज सेड. एंड इन्होंने लास्ट में एक पॉइंट बोले कि रेडिकलाइजेशन इज द लास्ट प्रोसेस. रेडिकलाइजेशन तो लास्ट स्टेप है, पहले होता है फंडामेंटलिज्म एंड देन कम्स द एक्सट्रीमिज्म. तो फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड देन रेडिकलाइजेशन, दिस इज द ऑर्डर. एंड अगर हम एजुकेशन प्रोवाइड करें, रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड करें, तो कहीं ना कहीं हम इन चीजों से फाइट कर सकते हैं. सो दिस हैज बीन सेड.
सोशल मीडिया साइट्स आर टोल्ड टू फिल्टर द कंटेंट यूजिंग एआई, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, होम मिनिस्ट्री यानी कि जो है, उसने एक रिक्वेस्ट की है जो आपने गूगल टाइप के या ट्विटर टाइप के इस तरह के जो जाइंट्स हैं, सोशल मीडिया के जाइंट्स हैं, उनको ये रिक्वेस्ट की है कि यू शुड हैव अ फिल्टर एंड यू शुड ट्राई टू फिल्टर द कंटेंट जो वायलेंस इंसाइट कर सकते हैं, ऐसे कंटेंट को आपको फिल्टर करना चाहिए यूजिंग एआई, उनको जल्दी से रिमूव करना चाहिए. तो दिस इज अ रिक्वेस्ट दैट हैज बीन रेज्ड एंड ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को टेक डाउन करो. यू शुड टेक डाउन द ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट एंड दिस इज अ प्रोसेस दैट हैज बीन फॉलोइंग, दैट हैज बीन फॉलोड इन यूके. तो यूके में ये प्रोसेस फॉलो की जाती है. वही चीज़ अब रिपीट करने की बात की जा रही है इंडिया में कि प्लीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आप ये चीज करिए. तो अगर आपके ऊपर कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप उसमें ये भी एक एडवांटेज डाल सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन प्ले अ रोल इन फिल्टरिंग द ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट इन द सोशल मीडिया. तो इसका भी एक एग्जाम्पल है. नाउ हाई कोर्ट हैज स्टेड आर्ट ऑफ लिविंग इवेंट एट बिग टेम्पल. बिग टेम्पल यानी कि यहाँ पे बृहदेश्वर टेम्पल की बात की जा रही है, विच इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. तो वॉट हैपेंड इज दैट डबल श्री रविशंकर जी हैं, डबल श्री यानी कि श्री श्री रविशंकर यानी कि श्री स्क्वायर रविशंकर, इन्होंने क्या किया था कि आर्ट ऑफ लिविंग का एक फंक्शन रख दिया था इसके ऊपर. इसके पहले भी इन्होंने एक हरकत और की थी, जब यमुना के ऊपर, इनके जो यमुना का जो बिल्कुल फ्रजाइल लैंड है उसके ऊपर इन्होंने एक इवेंट किया था, जिसके कारण कहा जाता है कि यमुना का जो पूरा इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो गया है एक तरीके से आप बोल सकते हैं. तो उसी तरीके का कुछ इवेंट अब ये ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे थे इनसाइड द बृहदेश्वर टेम्पल. तो अब उसको हाई कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया. उन्होंने बोला कि भैया आप थोड़ा तो रिस्पेक्ट रखो, इतने हज़ार साल, 2000 साल पुराने टेम्पल की थोड़ी सी रिक्वेस्ट तो, थोड़ी सी इज्जत रखिए. ओके, यू शुड नॉट डू ऑल दिस थिंग्स. बाहर की चीज़ें आप अंदर ला रहे हैं, उसको वहाँ पे बूफे सिस्टम बना दिया है, वहाँ लोग खा रहे हैं, घूम रहे हैं, पार्टी हो रही है. सो प्लीज़ पे सम रिस्पेक्ट टू दीज थिंग्स, बृहदेश्वर टेम्पल एंड इन थंजावुर इट्स अ मार्वल ऑफ अ टेम्पल. इसको राज राजेश्वर टेम्पल भी अपन बोलते हैं. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये एंड इट वॉज कॉल्ड दक्षिण मेरू ऑफ द साउथ बोला जाता है इसको. इतना विशाल है, इतना अच्छा है ये. इट वॉज बिल्ट बाय राजा चोला वन. तो चोला एम्पायर से इंस्पायर्ड है, राजा चोला ने इसको बनवाया था. एंड ये याद रखिएगा, अभी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बृहदेश्वर टेम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल. ओके, याद रखिएगा. नाउ यूएस हैज फेल्ड इन इट्स यूएन बिड टू डिक्राई अ हमास मूवमेंट. व्हाट हैपेंड इज दैट यूएस ने एक रेजोल्यूशन लाया था, यूनाइटेड स्टेट्स ने एक रेजोल्यूशन लाया यूएन के अंदर, और उस रेजोल्यूशन में उन्होंने क्या किया कि जो हमास है, हमास कौन है, दे आर द इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप्स विच आर रूलिंग गाजा स्ट्रिप सिंस 2007. तो हमास जो है वो एक मिलिटेंट इस्लामिस्ट ग्रुप है जो कि गाजा स्ट्रिप में 2007 से टिके हुए हैं, रूल कर रहे हैं. ओके, तो इनके अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन लाया था यूनाइटेड स्टेट्स. ओके, क्योंकि अभी रिसेंटली आपको पता है कि हमास ने बहुत सारी एयर स्ट्राइक्स की थी, फायर किए थे रॉकेट्स इसराइल के ऊपर. ओके, तो ये चीज़ उन्होंने की थी, बट दैट रेजोल्यूशन फेल्ड टू अडॉप्ट द मोशन. ओके, वो रेजोल्यूशन जो था वो अडॉप्ट नहीं हो पाया, वोट्स इतने इनफ नहीं थे इन दैट. तो हमास के अगेंस्ट का जो ये मूवमेंट था वो सक्सेसफुल नहीं रहा. एंड लास्ट में यहाँ हमास के उन्होंने बोला कि दिस इज़ अ स्लैप ऑन द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप. डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक झापड़ है ये, ऐसा हमास के लीडर का कहना है कि उन्होंने हमारे अगेंस्ट ये रेजोल्यूशन लाया बट वो रेजोल्यूशन सक्सेसफुल नहीं हुआ और दिस इज़ अ स्लैप ऑन देयर फेस. हमास के बारे में मैंने आपको बताया कि दे आर द इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप दैट हैव रूल्ड द गाजा स्ट्रिप सिंस 2007. गाजा क्या है, गाजा इज़ अ सेल्फ गवर्निंग पैलेस्टीनियन टेरिटरी और जो कि मेडिटेरेनियन सी, इजिप्ट और इसराइल से बाउंडेड है. मेडिटेरेनियन सी को टच करती है ऊपर, इधर साइड इजिप्ट को टच करती है एंड देन आपका इसराइल को टच करती है. एंड गाजा एंड वेस्ट बैंक के बीच में आपका कौन आता है, आपका इसराइल आता है. गाजा एंड वेस्ट बैंक के बीच में इसराइल आता है. द टेरिटरीज ऑफ गाजा एंड वेस्ट बैंक आर सेपरेटेड बाय इसराइली टेरिटरी. तो अब बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सर मैप बताओ, मैप बताओ. तो मैं मैप भी आपको बता देता हूँ. ओके, सो लेट मी शो यू द मैप ऑल्सो. सो दिस इज अ मैप, इफ यू सी वेस्ट बैंक इज रिटन हेयर. ओके, सो वेस्ट बैंक इज रिटन हेयर, देन आपका गाजा हेयर एंड ये पूरा जो येलो वाला पोर्शन है या इसराइल है. ओके, तो दिस इज द वेस्ट बैंक, दिस इज द इसराइल पार्ट एंड दिस इज द गाजा पार्ट. तो गाजा आपको दिख रहा है ये मेडिटेरेनियन सी है, ये आपका ये जो क्रीम कलर में है ना ये इजिप्ट है एंड ये जो आपका येलो कलर में है ये इसराइल है. तो मैं जैसा कि मैंने कहा कि गाजा जो है वो इसराइल, इजिप्ट और मेडिटेरेनियन से टच होता है. तो यहाँ पे मेडिटेरेनियन था, यहाँ पे आपका इसराइल था, यहाँ पे आपका इजिप्ट था. ओके, तो दिस वाज इसराइल, इजिप्ट एंड मेडिटेरेनियन. यहाँ पे आपको वेस्ट बैंक दिख रहा है, वेस्ट बैंक एंड गाजा के बीच में आपको इसराइल की टेरिटरी है. तो यही पूरा मैप है, आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी. ओके, सो लेट्स कम टू दिस पेज ऑल्सो. तो दिस इज हमास आर द इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप दैट हैव रूल्ड द गाजा स्ट्रिप सिंस 2007. ओके, तो ये सारे फैक्ट्स थे, मैप भी अब आपको दिखा दिया, अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी.
ओके, तो आई होप आपको मिल गई होगी. नाउ हुआवी अफेयर्स वोंट हिट द ट्रेड टॉक्स. चाइना का कहना है कि ट्रेड की हमने जो बातें की थी, जो हमने अच्छी अच्छी बातें की थी, उनको हुआवी के जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को पकड़ लिया गया है, तो वो अफेक्ट नहीं करेगा. हम कोशिश करेंगे कि सब मेंटेन रहे. नाउ टाटा नेक्सॉन जो गाड़ी है, इट हैज़ गॉट 5 stars फॉर सेफ्टी फ्रॉम NCAP. ओके, तो NCAP के बारे में बता दूँ, इट्स अ इंटरनेशनली रिनाउंड सेफ्टी एक्रीडिशन बॉडी. तो सेफ्टी के रिगार्डिंग एक्रीडिशन बॉडी है. एक्रीडिशन मतलब वो जैसे स्टार नहीं मिलते कि ये आपकी चीज़ सही है कि नहीं, ISI प्रमाणित होती है. जैसे वैसे तरीके से अगर गाड़ियों की बात करें, उसमें NCAP होती है, जो कि इंटरनेशनली रिनाउंड सेफ्टी एक्रीडिशन बॉडी है. सो बेसिकली दिस इज द फर्स्ट एंड द ओनली कार इन इंडिया टू अचीव अ फुल 5-star रेटिंग रिगार्डिंग सेफ्टी. तो टाटा नेक्सॉन इंडिया की पहली और एकमात्र ऐसी गाड़ी है जिसको कि 5-star रेटिंग दी गई है NCAP द्वारा. तो टाटा नेक्सॉन इज द फर्स्ट एंड द ओनली इंडियन कार टू अचीव अ 5-star रेटिंग. ओके, 5-star एडल्ट सेफ्टी रेटिंग. तो सेफ्टी के मामले में कार बहुत अच्छी है, इसका मतलब यह है. तो किसने दी है रेटिंग? ग्लोबल NCAP ने यह रेटिंग दी है, जो कि इंटरनेशनली रिनाउंड एक्रीडिशन बॉडी है. सो दीज आर द थिंग्स विच आर हैपनिंग. क्लैरिटी आ गई होगी अभी तक, आई होप. स्पोर्ट्स सेक्शन में मैच चल रहा है, पता नहीं क्या होगा, जब होगा तो बता दूंगा. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस. हाँ, डोंट ड्रॉप कश्मीरी फ्रॉम MHRD पोर्टल. तो MHRD का एक पोर्टल जिसमें कि कश्मीरी ट्रांसलेशन को हटाया जा रहा है बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्ट के कारण हटाया जा रहा है. तो पहले तो MHRD का पोर्टल क्या है, उसका नाम है भाषा संगम. भाषा संगम इज द पोर्टल ऑफ MHRD जिसमें कि लैंग्वेज प्रमोट की जाती है ना. वहाँ पे क्या है, कुछ कश्मीरी ट्रांसलेशंस हैं जिनको कि रिमूव करने की बात की जा रही है. ओके, नाउ व्हाट इज द इशू, बिकॉज कश्मीरी पंडित्स जो थे उन्होंने ऑब्जेक्शन रेस किया था ऑन द रीजनल स्क्रिप्ट ऑफ द लैंग्वेज. तो जो स्क्रिप्ट थी उसके ऊपर उन्होंने सवाल खड़े किए थे. अब सवाल क्या कहते हैं कि जो कश्मीरी ट्रांसलेशंस थे वो पर्शियन स्क्रिप्ट में थे. नाउ दे वर इन पर्शियन स्क्रिप्ट, भाषा संगम के अंदर वो पर्शियन स्क्रिप्ट में थे. एंड रिटर्न फ्रॉम पर्शियन स्क्रिप्ट क्या होती है, राइट टू लेफ्ट राइट की जाती है, लाइक द उर्दू लैंग्वेज ओनली. एंड जो हमारे कश्मीरी पंडित थे उन्होंने ये बोला कि ये शारदा स्क्रिप्ट को प्रेफर करते हैं, दे प्रेफर द शारदा स्क्रिप्ट. तो जो कि 8th century के टाइम पे और संस्कृत से इन्फ्लुएंस है शारदा स्क्रिप्ट, तो उसकी बात वो कर रहे हैं. तो नाउ दिस इज द इशू बिटवीन दैट एंड MHRD. पोर्टल का नाम जरूर याद रखेगा, भाषा संगम. शारदा स्क्रिप्ट अगर पूछे आपसे कोई कि किस स्टेट में है, तो उस कश्मीर में है, 8th century से चल रही है, संस्कृत से इंस्पायर्ड है. एंड आपकी उर्दू के बारे में बता दिया, पर्शियन स्क्रिप्ट ने लिखा था, तो उसको टेक डाउन करने की बात चल रही है. बट लोगों ने कहा कि प्लीज़ ऐसा मत करिए, कल्चर के साथ खिलवाड़ है, प्लीज़ डोंट डू दिस ऑल दिस थिंग्स. ओके, बट आपको भाषा संगम तो एटलीस्ट याद रखना ही रखना है. ओके, दैट इज द थिंग फ्रॉम द डे फ्रेंड्स. आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब. क्लैरिटी आपको आ गई होगी आई होप, एंड प्लीज़ डू प्रोवाइड योर फीडबैक. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.